भाई ये स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एवेंजर्स और स्मैशर्स के बीच में होने वाले आज के पांडिचेरी टी10 मैच के बारे में। तो दोस्तों पांडिचेरी टी10 का आज मैच नंबर 10वां खेला जाएगा। इस वीडियो में आप लोग को इस मैच के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा, बस आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। और जो लोग दोस्तों इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है। सारे वीडियोस आ रहे हैं चैनल पे तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखो। और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया हो दोस्तों तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट सेक्शन में मैं दे दिया हूँ, तो वहाँ से आप डायरेक्ट आ सकते हो टेलीग्राम पे। टेलीग्राम को ज्वाइन करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको मेरा लाइनअप जो रहता है, ठीक है, टॉस वगैरह के जितने अपडेट होते हैं मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। यहाँ पे फाइनल टीम भी आपको मिल जाएगी अगर आप लोग मेरी टीम से खेलना चाहो तो। बिल्कुल आपको CVC के यहाँ पे सजेस्ट भी कर सकता हूँ दोस्तों, काफ़ी अच्छे जितने भी अच्छे अच्छे प्लेयर्स रहेंगे सारे प्लेयर्स को मैं सजेस्ट कर सकता हूँ दोस्तों। यहाँ पर ओवरऑल आपको कुछ ना कुछ हेल्प हो जाएगा, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं थोड़ा मैच के बारे में। तो दोस्तों मैच नंबर 10वां पांडिचेरी टी10 का खेला जाएगा AVE और SMA के बीच में, ठीक है। दोस्तों मैच स्टार्ट होगा 9:30 बजे, ठीक है, मॉर्निंग में। और वेदर की बात करें तो रेन के चांसेस नहीं है यहाँ पे। और दोस्तों वेन्यू की बात करें तो CAP क्रिकेट ग्राउंड पुदुचेरी का ग्राउंड रहेगा। पिच रिपोर्ट की बात करें तो ओवरऑल आपको बैलेंस सरफेस देखने को मिलेगा, यहाँ पे बैट्समैन और बॉलर्स दोनों को इक्वल हेल्प यहाँ पे रहता है। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे 9 मैच खेले गए हैं, बैटिंग फर्स्ट ने 4 मैच विन किया है, बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने 4 मैच किया है और नो रिजल्ट रहा था 1 मैच, ठीक है। एवरेज स्कोर की बात करें तो 80 से 110 के बीच में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं टीम एवेंजर्स के प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में। तो यहाँ से ओपन कर रहे हैं थेनावन एन और परवीन आर, ठीक है। थेनावन एन दोस्तों काफ़ी अच्छा बैट्समैन है, हालांकि बैटिंग से अभी तक उतना अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन नहीं किया है, 10 और 4 रन ही यहाँ पे किया है, लेकिन एवरेज काफ़ी अच्छा है टी10 के अंदर में 27 का। और दोस्तों ये बॉलिंग भी ठीक ठाक करा लेता है, ठीक है। तो बिल्कुल आप अपनी टीम में थेनावन एन को तो लेकर के चलिएगा, टीम का कैप्टन है, कभी भी बॉलिंग कर सकता है, ये प्रमोट हो सकता है, ठीक है। तो अच्छा खासा इनिंग खेलता है ये, बाकी अभी तक इसके बल्ले से उतना अच्छा खासा देखने को नहीं मिला इनिंग दोस्तों। परवीन आ रहे हैं, ड्रॉप करके चल सकते हो, लेकिन दोस्तों रिसेंट फॉर्म में 13 और 16 रन की इनिंग ठीक ठाक रही इसकी, बाकी दोस्तों अभी लास्ट के दोनों मैच में उतना अच्छा खासा नहीं कर पाया है, तो ड्रॉप कर सकते हो इसको, ठीक है। हरी प्रसाद ए हैं दोस्तों, ये आपको बॉलिंग और बैटिंग दोनों करता हुआ दिखेगा, बाकी दोस्तों लास्ट मैच में इसको बॉलिंग नहीं दिया गया लेकिन ये बॉलिंग भी काफ़ी अच्छा कर लेता है, ठीक ठाक प्लेयर है, ओवरऑल ऑलराउंडर प्लेयर है। बिल्कुल आप अपनी टीम में हरी प्रसाद ए को लेकर के चल सकते हो। उसके बाद दोस्तों मोहनदास आर हैं और ये प्लेयर थोड़ा एवरेज है, T20 के अंदर 21 का एवरेज है इसका, और दोस्तों लास्ट के मैच में 8 और 24 का इनिंग खेला है, तो लेना चाहो तो बिल्कुल इसको अपनी टीम में लेकर के चलिएगा, ठीक है। वाई दी येसु राजू है दोस्तों, ड्रॉप करके चल सकते हो, उतना अच्छा खासा बैटिंग मुझे लगा नहीं कल इनका देख के, इनका रिकॉर्ड भी वैसे हमारे पास नहीं है, तो दोस्तों ड्रॉप कीजिएगा इनको, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कार्तिकेयन है, कार्तिकेयन लास्ट के मैचेस से दोनों एक एक ओवर करा रहे हैं दोनों मैच में, लेकिन दोस्तों इसको विकेट नहीं मिला है, तो ग्रैंड लीग में चाहो तो कार्तिकेयन को ट्राई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों मुरू गवेल के हैं, प्लेयर ठीक ठाक है, दोनों मैच में 5 नॉट आउट किया था और एक एक विकेट इसको मिला था लास्ट मैच में, हालांकि 2 ओवर इसने डाले थे, ठीक है। तो बिल्कुल मुरू गवेल को अपनी ग्रैंड लीग की टीम में, स्मॉल लीग की टीम में बिल्कुल पिक करके चलिएगा, सेफ पिक रहेगा। उसके बाद दोस्तों धरानी कुमार है, ड्रॉप करके चल सकते हो इनको। विग्नेश ई हैं दोस्तों और T10 के अंदर 5 मैच में 1 विकेट है, उतना अच्छा खासा विकेट नहीं मिलता जैसा कि आप लास्ट के दोनों मैचेस में देख सकते हो, इनको विकेट नहीं मिला है, ठीक है। तो ड्रॉप करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन ऐसा मैच आएगा कि इनको विकेट भी मिलेगा, ठीक है। तो आज का मैच हो सकता है या फिर कल का मैच हो सकता है, तो देख लीजिएगा, ग्रैंड लीग की टीम में ऐसे प्लेयर्स को रोटेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों प्रतीश सारस्वत हैं, हर मैच में 1 ओवर का बॉलिंग करा रहा है, इसको भी अभी तक कुछ एडवांटेज नहीं मिला बॉलिंग से, ड्रॉप करके चल सकते हो, इसका बॉलिंग भी उतना अच्छा खासा नहीं लगा मुझे। उसके बाद दोस्तों लॉरेंस जवाहरराज हैं और इनका काफ़ी अच्छा रिसेंट फॉर्म रहा, यहाँ पे 2 विकेट 3 विकेट 1 विकेट 1 विकेट लास्ट मैच खेले थे ये, और दोस्तों 2 ओवर इन्होंने किया, 1 विकेट लिया, तो बिल्कुल ये आपकी टीम में होना चाहिए। कश्यप पृथ्वी हैं दोस्तों, T10 के 12 मैच में 15 विकेट हैं, बढ़िया बॉलर है दोस्तों ये, और हालांकि लास्ट मैचेस में इसको विकेट नहीं मिला, लेकिन ये कभी भी विकेट ले सकता है, ठीक है। बिल्कुल आपकी टीम में ये होना चाहिए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। अभी के लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर की बात करूं यहां से तो दोस्तों थेनावन एन है, हरी प्रसाद ए है, मोहनदास आर को ट्राई कर सकते हो दोस्तों, और नीचे से आप ट्राई कर सकते हो मुरू गवेल को, और यहाँ से दोस्तों आप लॉरेंस जवाहर राज को कर सकते हो ट्राई, और
कश्यप पृथ्वी को अपनी टीम में लेकर के चल सकते हो। बाकी बेंच के प्लेयर्स कोई भी खेलें तो यहाँ पर रिकॉर्ड आप देख सकते हो, जितने भी प्लेयर्स के रिकॉर्ड मेरे पास हैं। आमिर जिसन खेलता है तो इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, ठीक है, सारे प्लेयर्स के रिकॉर्ड मिल जाएंगे आपको। स्टार्टिंग के ओवर आपको कश्यप पृथ्वी विग्नेश ई करते दिखेंगे, डेथ के ओवर्स में आपको लॉरेंस जवाहर राज और मुरु गवेल के बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। तो चलिए दोस्तों अब आगे बात करते हैं टीम स्मैशर्स के प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में। तो दोस्तों इनके यहाँ से ओपन करते हैं पी सुनील कुमार और हरेंद्र बालाजी, ठीक है। पी सुनील कुमार बेहतरीन प्लेयर है दोस्तों, ऑलराउंडर प्लेयर है और ये बॉलिंग भी कराता है, लेकिन लास्ट मैच में इसको बॉलिंग नहीं दिया गया, पता नहीं क्यों, लेकिन दोस्तों ये बॉलिंग कराता है और बैटिंग से भी ठीक ठाक कंट्रीब्यूशन कर सकता है, आपकी टीम में होना चाहिए। हरेंद्र बालाजी को ड्रॉप कीजिएगा बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद दोस्तों शिवा मुरुगन एम है, विकेट कीपर है दोस्तों, और प्लेयर्स ठीक ठाक है, लेना चाहो तो बिल्कुल अपनी टीम में लेकर के चल सकते हो। बाकी दोस्तों एक मैच में 16 रन का इनिंग है, फिर उसके बाद उसने अच्छा खासा नहीं किया, ड्रॉप करना चाहो तो भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आर मथन है, प्लेयर ठीक ठाक लगा मुझे, 20 रन किया था लास्ट मैच में, बिल्कुल आप अपनी टीम में लेकर के चलना, अच्छे टच में नजर आया था इसलिए बोल रहा हूँ, बिल्कुल आप अपनी टीम में लेकर के चल सकते हो। उसके बाद दोस्तों जना किरामन है दोस्तों, ड्रॉप करके चल सकते हो, बैटिंग उतना अच्छा खासा नहीं था इसका। यहाँ नीचे से दोस्तों शिवा कुमार एस है, हर मैच में 2 ओवर का बॉलिंग करा रहा है, बिल्कुल आपकी टीम में होना चाहिए, विकेट लेस बहुत कम जाता है, इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, बिल्कुल अपनी टीम में ट्राई करके चलेंगे। ऋषि राउत हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट प्लेयर, ये भी 2 ओवर का बॉलिंग कराएगा, अच्छा बॉलर है, बिल्कुल आपकी टीम में होना चाहिए, ठीक है, ऋषि राउत को अपनी टीम में लेकर के चलेंगे। उसके बाद दोस्तों अरुणाचलम भी हैं, हर मैच में 2 ओवर का बॉलिंग करा रहा है ये, एक मैच में दोस्तों उसको 3 विकेट मिले थे, उसके बाद लास्ट मैच में विकेटलेस रहा था, लेकिन दोस्तों प्लेयर काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल अपनी टीम में लेकर के चलिएगा। उसके बाद सुदर्शन चौहान है दोस्तों, और इसने लास्ट मैचेस में बॉलिंग कराया, बाकी विकेट इसको मिला नहीं है। ग्रैंड लीग की टीम में ऐसे प्लेयर्स को बिल्कुल ट्राई करके चलिएगा, क्योंकि दोस्तों यही प्लेयर्स आपको ग्रैंड लीग में अच्छा करके देते हैं। पंकज यादव लास्ट मैच खेले और दोस्तों 2 ओवर के उनको 2 विकेट भी मिला, ठीक ठाक बॉलिंग करा रहे थे, बिल्कुल आपकी टीम में होना चाहिए, खेलेंगे तो आज का मैच बिल्कुल आप ले सकते हो। उसके बाद दोस्तों प्रशांत एम है, लास्ट मैच में 1 ओवर किया था, 1 विकेट इसको मिला था, ठीक है, बाकी दोस्तों मुझे उतना अच्छा खासा लगा नहीं, डेथ में बॉलिंग करने आ गया था तो 1 विकेट इसको मिल गया था, ठीक है, ड्रॉप करना चाहो तो बिल्कुल ड्रॉप कर सकते हो। अभी के लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर की बात करूँ यहाँ से तो पी सुनील कुमार इंपॉर्टेंट है दोस्तों, शिवा मुरुगमन है इंपॉर्टेंट, आर मथन को ले सकते हो, शिवा कुमार एस को अपनी टीम में लेकर के चल सकते हो दोस्तों। नीचे से ऋषि राउत अरुणाचलम को ले सकते हो और यहाँ से दोस्तों पंकज यादव को अपनी टीम में लेकर के चल सकते हो। बाकी बेंच के प्लेयर्स के यहाँ पे रिकॉर्ड देख सकते हो, स्टेट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है, सारे प्लेयर्स के। तो दोस्तों स्टार्टिंग ओवर देख लीजिए, यहाँ पे पंकज यादव शिवा कुमार एस डाले थे, डेथ के ओवर्स में ऋषि राउत शिवा कुमार एस पंकज यादव बॉलिंग करते हुए दिखे थे, ठीक है। तो दोस्तों ये तो हो गया प्लेयर के स्टेट्स के बारे में, बात करते हैं एक डेमो टीम की। तो दोस्तों यहाँ विकेट कीपिंग सेक्शन से जो इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, देखो आर प्रवीण उतना अच्छा खासा टच में नहीं था, ठीक है, एम दोस्त आर भी इंपॉर्टेंट उतना नहीं था, ठीक है, शिवा मुरुगमन काफ़ी अच्छे टच में था दोस्तों, तो इसको अपनी टीम में लेकर के चलेंगे, ठीक है। एम दोस्त आर को भी ले सकते हो आप, या फिर आर प्रवीण को भी ले सकते हो, आर प्रवीण ओपन कर रहा है, ठीक है, लेकिन दोस्तों अभी तक उतना अच्छा खासा बैटिंग नहीं किया है। बैटिंग सेक्शन से देखें दोस्तों तो यहाँ से आपके लिए जो इंपॉर्टेंट रहेगा पी सुनील सबसे पहले, और उसके मुरु गवेल इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो ये दो प्लेयर को तो आप बिल्कुल अभी अपनी टीम में लेकर के चलिएगा। उसके बाद दोस्तों जे कार्तिकेयन है, चाहे ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो दोस्तों, लेकिन अभी के लिए मैं वेट किया हूँ। आ जाता हूँ दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन में, ठीक है, ऑलराउंडर सेक्शन से थेवनान इंपॉर्टेंट है, ऋषि राउत अरुणावचलम इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एल जवाहर राज इंपॉर्टेंट है, शिवा कुमार एस मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा दोस्तों। यहाँ से हरि प्रसाद ए और एम आर मथन काफ़ी अच्छा खेला था लास्ट मैच में, तो बिल्कुल आप अपनी टीम में इसको लेकर के चलिएगा दोस्तों। आ जाते हैं बॉलिंग सेक्शन में, तो दोस्तों बॉलिंग सेक्शन से मुझे चाहिए यहाँ से सिर्फ एक प्लेयर दोस्तों, ठीक है, एक प्लेयर ही मैं लूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे दोस्तों मैं पी यादव के साथ गया हूँ, ठीक है। अगर दोस्तों आप किसी को ड्रॉप करना चाहो इधर से, तो यहाँ से किसी को ड्रॉप करना चाहो तो जैसे मथन को ड्रॉप कर लिए, और यहाँ से दोस्तों आप बॉलिंग से किसी प्लेयर को पिक करना चाहो तो दोस्तों के पृथ्वी को अपनी टीम में लेकर के चल सकते हो। बाकी दोस्तों फाइनल टीम मैं आपको आफ्टर टॉस टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा कैप्टन वाइस कैप्टन के साथ। दोस्तों अभी के लिए कैप्टनसी आर रावत को कर दीजिएगा, ठीक है, वाइस कैप्टनसी दोस्तों पी सुनील को कर सकते हो, थेनावन को भी कर सकते हो, कभी भी अच्छा इनिंग खेल सकता है, पी यादव भी इंपॉर्टेंट रहेगा कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए, ठीक है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।